आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल एक कमेंट आया था मेरे पास मोहन कुमार जी का, और वो कह रहे थे कि लेसन आर्ट का जो तीसरा वीडियो है वो साफ नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा उसे, वास्तव में साफ नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये था कि वो वीडियो दो तीन पार्ट में बना, उसको मैंने एडिट किया। एडिट करने से उसके MB कम हो गए, क्वालिटी कम हो गई, इस वजह से वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से आज मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और फिर अपलोड कर दूँगा। आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, दोबारा मैं आज अपलोड कर दूँगा, फिर इसको चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगा। क्लियर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं वापस। और इसके अलावा और भी कोई वीडियो आपको ऐसा लगता है कि वो वीडियो साफ नहीं आ रहा है और पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और अगर वो वास्तव में ऐसा है तो मैं अगले दिन उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा। चलो, हम मैं बात कर रहा था उदासीन बिंदु क्या होता है। देखिएगा, जैसे मान लो किसी जगह दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र हों, जैसे एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो और एक किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो। अगर वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर एक समान हो लेकिन उनकी दिशा अपोजिट हो, तो वहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, और ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो पढ़ो इसको, वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर तथा विपरीत दिशा में हो, जिससे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। क्लियर, अभी उदासीन बिंदु के बारे में 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको समझें। पहला पॉइंट कि जब दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, अर्थात उल्टा, जिधर भौगोलिक उत्तर है या उत्तर दिशा है उधर दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उल्टा सिस्टम है, तो उदासीन बिंदु चुंबक के अक्ष पर प्राप्त होते हैं और दो उदासीन बिंदु होते हैं। इस पोजीशन में, जैसे मान लो ये चुंबक है, ऐसे समझो आप, तो ये चुंबक है ना, ऐसे समझ लो ये चुंबक है, इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, और मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। तो क्या हो गया इसमें सिस्टम कि उत्तर दिशा की ओर दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव, ये मान लो ये चमकीला पॉइंट उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पोजीशन में उदासीन बिंदु कितने प्राप्त होंगे, दो। कितने होंगे, दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, और वो उदासीन बिंदु इस चुंबक के अक्ष पर प्राप्त होंगे। चुंबक का अक्ष कौन सा है, ये चुंबक के बीचों बीच से जो लाइन गुजरेगी, काल्पनिक लाइन, वो चुंबक का अक्ष होगा। तो मान लीजिए कि ये अक्ष का एक बिंदु है और ये अक्ष का दूसरा बिंदु है, इस बिंदु पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो चुंबक के अक्ष पर उदासीन बिंदु कब प्राप्त होते हैं, जब प्राप्त होते हैं जब उल्टा दंड चुंबक रखा हो, अर्थात भौगोलिक उत्तर की ओर दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव उपस्थित हो। अगला पॉइंट देखो, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, मतलब बिल्कुल सिंपल, उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, तो उदासीन बिंदु चुंबक के निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। ऐसे समझो, इधर ही उत्तर दिशा थी और इधर ही इसका उत्तरी ध्रुव है। अगर ऐसा हो जाए तो उस पोजीशन में जो इसमें उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, वो उदासीन बिंदु इस बिंदु पर, ये जो कि चुंबक का निरक्ष है, इस निरक्ष पर प्राप्त होते हैं, और इसकी संख्या दो होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि दंड चुंबक को पृथ्वी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रखने पर केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ये इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये दंड चुंबक है, इसको मैं यूं रख रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर हो गया, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष लंबवत पोजीशन में मैंने इसको रख दिया, तो इस स्थिति में उदासीन बिंदु दो के बजाय एक प्राप्त होता है। तो इन तीनों पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लें, हो सकता है कि एक नंबर का क्वेश्चन इनसे एग्जाम में बन जाए। अगला टॉपिक देखिए आप,
अगला टॉपिक कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? आपने जैसे विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, और विद्युत द्विध्रुव में प्लस का क्यू और माइनस के क्यू आवेश की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी। ऐसा का ऐसा सिस्टम चुंबक के लिए भी होता है। चुंबक का जो एन सिरा है वो धन आवेश की तरह व्यवहार करता है, और एस सिरा है वो ऋण आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो देखो आप, यदि दंड चुंबक या फिर चुंबकीय सुई को, दोनों बातें हैं, दंड चुंबक कह दो या फिर चुंबकीय सुई, इसको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यह विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करती है, इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि कोई दंड चुंबक है या फिर चुंबकीय सुई है, उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख दें, कहाँ रख दें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख दें तो उस पोजिशन में तो यह विद्युत द्विध्रुव के समान बिहेव करती है, इसलिए इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक है कि दंड चुंबक का चुंबकीय आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम गुणा 2L, जहाँ 2L इसकी प्रभावकारी लंबाई है और स्मॉल एम इसकी ध्रुव प्रबलता है। तो क्या हो जाएगा कि दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण एम का मान दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम तथा प्रभावकारी लंबाई 2L के गुणा के बराबर होता है। देखो, किसी दंड चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम तथा प्रभावकारी लंबाई 2L का गुणनफल दंड चुंबक का, ये ऐसे लिख रहा है, ध्यान समझना इसको, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक आपको बताया था कि स्मॉल m का मात्रक एम्पियर गुणा मीटर होता है, 2L का मात्रक फिर मीटर होता है, तो m का मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर होता है, या कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणा 2L। क्लियर? चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। किसकी दिशा? चुंबकीय आघूर्ण जो है, कैपिटल M जो है, ये एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा है वो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। क्लियर? क्योंकि हमने वहाँ विद्युत द्विध्रुव तो पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, पी वेक्टर का उसको नाम दिया था हमने, और उसकी जो दिशा थी वो माइनस क्यू से प्लस का क्यू हुआ करती थी। तो वैसे का वैसा सिस्टम इसमें है, ये एस से एन ध्रुव की ओर इसकी क्या रहेगी, दिशा रहेगी। आगे चलते हैं। अब है नोट, नोट का नंबर एक कह रहा है, ये नोट का नंबर एक, नंबर एक, दंड चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काट लें। मान लो ये दंड चुंबक है, अगर कोई इसको ऐसे काट दे, हम लंबाई के लंबवत दो टुकड़े कर दे, ऐसा कर देने से इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो पहले की तुलना में आधी हो जाएगी। तो क्या हो गया बेटा, पहले तो इसका चुंबकीय आघूर्ण एम गुणा 2L था, है ना, अब आधी काट दी तो लंबाई 2L अपॉन 2 हो गई, आधी कर दी हमने, पहले प्रभावकारी लंबाई क्या थी 2L, और जब लंबवत काटा इसको तो ये बटे 2 हो गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, m गुणा 2L क्या कहलाता है, कैपिटल M कहलाता है। तो ये हो जाएगा m अपॉन 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दंड चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत हम काट दें तो जो नया दंड चुंबक प्राप्त हो जाएगा उसका चुंबकीय आघूर्ण पहले वाले चुंबक की तुलना में आधा हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश दो भागों में बांटने पर, अब की बार हमने क्या किया, जैसे मान लो ये दंड चुंबक है, इसको अक्ष के अनुदिश काट रहे, मतलब ये इसका अक्ष है, है ना, ये इसका अक्ष है, तो ऐसे हम किसी वस्तु से इसको यूं दो टुकड़े कर दें, ऐसे आर पार, ठीक है ना, इसको यह यूं को यहाँ से काट दे बीचों बीच से,
और इसके आर पार हम दो टुकड़े कर दें, फिर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, उस पोजीशन में क्या पोजीशन रहेगी वो समझो आप। तो जब इसको हम ऐसे काट रहे हैं तो इसकी मोटाई क्या हो गई है, आधी हो गई है। और जब किसी चुंबक की मोटाई आधी हो जाती है तो उसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम का मान भी आधा हो जाता है, इस वजह से यहाँ एम बटा दो रह जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एम बटा दो हो जाएगा। तो एम बटा दो गुणा टू एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको एम बटा दो लिख दिया हमने और 2L का 2L रहेगा, क्योंकि अब की बार हमने इसको आधा काटा था तो लंबाई इसकी चेंज नहीं हुई है। तो ये हो जाएगा m अपॉन 2, क्यों, क्योंकि m बराबर m गुणा 2L होता ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दंड चुंबक को चाहे उसके अक्ष के अनुदिश दो भागों में बांटो, चाहे उसकी लंबाई के लंबवत दो भागों में बांटो, उसकी जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान पहले की तुलना में आधा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका, वो समझो आप, कि दंड चुंबक को अर्धवर्त के रूप में मोड़ने पर, मान लीजिएगा कि इसको समझो आप, ये कोई दंड चुंबक है, ठीक है। इस दंड चुंबक को हमने यूं पकड़ा और इसको यूं मोड़ दिया और अर्धवर्ताकार रूप इसको दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा वो आपको देखना है। कि जब इसको ऐसे मोड़ दिया तो वास्तव में ये वर्ताकार रूप ग्रहण कर रहा है, और इस पोजिशन में इसके एन और एस जो ध्रुव हैं उनके बीच की दूरी इसके व्यास के बराबर रहेगी, और व्यास त्रिज्या का डबल होता है, इसलिए यहाँ इस दूरी को हमने 2R लिख दिया है, क्लियर। अब हम इस नया जो चुंबक बन गया हमारे पास मुड़ा हुआ, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा पहले की तुलना में, वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखो M डैश का मतलब हो गया ये जो नया चुंबक बना मोड़ने के बाद उसका चुंबकीय आघूर्ण, ये वास्तव में m गुणा 2l के बराबर होना चाहिए, पर 2l की जगह यहाँ 2r आएगा, क्योंकि इस पोजीशन में n और s के बीच की दूरी क्या है, 2r है। तो m डैश बराबर हो गया m गुणा 2r, क्लियर। आगे चलो, अब इसमें आपको ये ध्यान होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जब इस सीधा था तो 2l थी, क्या थी वो, 2l थी, याद होगा आपको, जब ये सीधा था तो इसकी लंबाई क्या थी, 2L, जिसको हम इसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और पाई आर क्या हो गया, अब ये अर्धवर्त का रूप ग्रहण कर रहा है, और इस पोजीशन में इस अर्धवर्त की जो परिधि होगी वो पाई आर के बराबर होगी। तो इस चित्र से हमने लिख दिया पाई आर बराबर 2L, क्लियर। तो आर बराबर हो गया 2L अपॉन पाई, ये आर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और जब इसको हम यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू, और यहाँ m की जगह m रख दिया हमने, ये दो मैंने बाहर लिख दिया, और अब इस r की जगह 2l अपॉन पाई हमने लिख दिया, और जब ये 2l अपॉन पाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा वो देखो आप, इससे पाई को मैंने बाहर निकाला तो बन गया 2 बटा पाई, और ये हो गया m गुणा 2l, और m गुणा 2l वास्तव में कैपिटल m के बराबर होता है। तो m डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई हो गया। तो इस पोजीशन में चुंबकीय आघूर्ण में क्या चेंज होगा वो हमने यहाँ पर देख लिया है। नंबर चार पॉइंट है कि यदि दो दंड चुंबक एक दूसरे से थीटा कोण पर उपस्थित हो तो उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। कैसे, मान लो ये दो दंड चुंबक है, एक तो ns ये दंड चुंबक है और एक ns ये दंड चुंबक है। अगर ये दो दंड चुंबक एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर उपस्थित हों तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा। तो देखो आप, मैंने माना ये जो पहला दंड चुंबक है इसका चुंबकीय आघूर्ण s से n की ओर होगा, जिसको मैं यहाँ m1 वेक्टर कह रहा हूँ। ये दूसरा दंड चुंबक है इसका s से n होगा, जिसको मैं m2 वेक्टर कह रहा हूँ, क्लियर। अब क्या करें हम, इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है m का मान वो हो जाएगा अंडर रूट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू कोस ऑफ थीटा। ऐसा आपने 11th क्लास में समांतर चतुर्भुज के नियम से दो परिणामी सदिशों का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करने वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। उस टॉपिक में ऐसा ही फॉर्मूला वहाँ पर आया था, और वहाँ हमने लिखा था आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। वो का वो पैटर्न हमने यहाँ अपना लिया है। अगला टॉपिक देखिए, वेरी मोस्ट है धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। मतलब अगर कोई वर्ताकार कुंडली है उसमें करंट फ्लो हो रही है
तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा वो हम इस टॉपिक में देखना चाह रहे हैं। तो देखो आप इसको ध्यान से कि किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, प्रवाहित कैपिटल एन, प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई तथा कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं और इन सभी का जो गुणनफल है वो धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, अर्थात एम बराबर एन आई ए, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको ये याद है तो इसकी डेफिनेशन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लीजिए कि कोई कुंडली है, उसके एन फेरे हैं, प्रत्येक फेरे में आई धारा फ्लो हो रही है, ए उसका क्या है क्षेत्रफल है, तो इन तीनों का जो गुणा होगा वो धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। इसका मात्रक एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर होता है, इसका एम्पियर है और ए का क्या है मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर, ये आगे चलते हैं। अब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या चीज़ है उसको भी समझो। माना एक धारावाही कुंडली है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन तथा क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा और वो होगा टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये टॉपिक आपको शायद पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके थे, वही टॉपिक है कि लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र टो बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर एन आई ए होता है, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो टो बराबर हो गया एम बी साइन थीटा, या सदिश के रूप में टो वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या चीज़ समझो आप। जैसे आपको मालूम है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है, तो आवेश जब गति करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। तो कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन है उनके घूमने के कारण भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उस चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देखो आप इसको, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिससे परमाणु की प्रत्येक कक्षा एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करती है जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। क्लियर, तो देखो एम बराबर क्या होता है एन आई ए, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले यहाँ पर उठा लिया। क्लियर, अब एन का मान क्या है एक, भाई सबसे मैं एग्जाम्पल यहाँ लेके चल रहा हूँ हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो एक ही फेरा वहाँ पर माना गया है, इसलिए एन की वैल्यू क्या आ गई एक। आई बराबर ई अपॉन टी, ये कहाँ से आया, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है आप जानते होंगे, क्योंकि जगह उस हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता था तो क्योंकि जगह हमने ई लिख दिया, टी समय की जगह हमने कैपिटल टी लिख दिया, जो कैपिटल टी जो है यहाँ पर वो एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है, या ए बराबर हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर, क्या लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर ए की वैल्यू, भाई आर इसकी जब त्रिज्या है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आर क्या है वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, तो एन की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू उठाकर हम समीकरण एक में रख देंगे तो ये बन जाएगा समीकरण दो का मान, समीकरण एक में रखने पर एम बराबर हो गया एक गुणा ई अपॉन टी गुणा पाई आर स्क्वायर। क्लियर, चूंकि टी बराबर होता है टू पाई अपॉन ओमेगा, आपने ऐसा पहले पढ़ा होगा, अगर आपको ऐसा याद नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो, ओमेगा बराबर टू पाई एन होता है जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और एन क्या है आवृत्ति है, चूँकि एन बराबर एक बटा टी भी होता है तो ये हो गया टू पाई बटा टी, टी अगर यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू पाई बटा ओमेगा, तो टी बराबर टू पाई बटे ओमेगा इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस टी की जगह ये वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो एम का एम, ई का ई,
इस टी की जगह रखा 2π/ओमेगा और ये हो गया πr². अब हमने क्या किया, पाई से पाई काट लिया, ओमेगा चला गया घूम के ऊपर और ये हो जाएगा m बराबर 1/2 e ओमेगा r² क्लियर। अब v बराबर r ओमेगा होता है, क्या होता है, v बराबर r ओमेगा होता है, इसको मैं ऐसे वो लिख दूँ 1/2 क्लियर e r ओमेगा और r। मैंने क्या किया, जो r स्क्वायर था उसमें एक r बाहर लिख दिया, एक r ओमेगा के साथ रख दिया। अब ये जो r ओमेगा है ये चूंकि v बराबर r ओमेगा होता है, आपने 11वीं क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि v बराबर r ओमेगा होता है, ठीक है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आपने पढ़ा होगा v बराबर r ओमेगा। तो रख दो यहाँ पर v बराबर r ओमेगा, तो ये हो गया m बराबर 1/2 e का e, ये हो गया v और r का r, तो m बराबर हो गया 1/2 evr। इस प्रकार से हमने कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लिया है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और जो लेसन 8 का तीसरा जो वीडियो था जो कि साफ नहीं था प्रिंट उसमें, अब मैं इसको दोबारा शूट कर चुका हूँ और इसको तुरंत अपलोड कर दूंगा और आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा और भी कोई ऐसा वीडियो जो साफ नहीं आ रहा हो और आपको दिक्कत आ रही हो उसको पढ़ने में, तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।